बाउंसर तेज गेंदबाजों के तरकश में रहने वाली एक ऐसी गेंद जिससे बल्लेबाज सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं। अमूमन बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकने के लिए या फिर उनके मन में भय पैदा करने के लिए तेज गेंदबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस गेंद पर कई बार बल्लेबाज चौका या छक्का भी लगा जाते हैं, लेकिन यही गेंद कई बार बल्लेबाजों को घायल करने का काम भी करती है। सचिन हो या लारा, पोंटिंग हो या कैलिस, ये सभी महान बल्लेबाज कभी न कभी अपने करियर में तेज गेंदबाजों के तीखे बाउंसर से घायल जरूर हुए हैं। लेकिन 2004 में एक तेज गेंदबाज द्वारा फेंके बाउंसर गेंद पर पुल शॉट लगाने की कोशिश में एक बल्लेबाज इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ कि उसे अस्पताल जाने की नौबत आ गई। ये किस्सा सन 2004 का है। भारत जिम्बाब्वे और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच वीवी सीरीज खेली जा रही थी। सीरीज का छठा मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच था। यहाँ पर टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सचिन इंजर्ड थे, इसीलिए इस मैच में सौरभ गांगुली के साथ पार्थिव पटेल भारत के पारी की शुरुआत करने आए। पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़ने के बाद पार्थिव पटेल हीट स्ट्रीक की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद अच्छे लय में नजर आ रहे गांगुली भी 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 74 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज थे वीवीएस लक्ष्मण। मुश्किल में नजर आ रही भारतीय टीम को यहां से युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 114 रन की पार्टनरशिप हुई। द्रविड़ के 84 और युवराज के 69 रन की बदौलत भारत का टोटल 255 रन तक पहुंचा। जिम्बाब्वे की बैटिंग शुरू हुई तो आशीष नेहरा और इरफान पठान की जोड़ी ने उनके सलामी बल्लेबाजों को पहले दो ओवर तक बिल्कुल शांत रखा। इसके बाद ग्रांट फ्लावर और मार्क वेरमुलन ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। धीमी शुरुआत के बाद जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने अगले 5 ओवर में 27 रन ठोक दिया। अब जिम्बाब्वे का टोटल स्कोर 7 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए 27 रन था। 8वां ओवर फेंकने आए इरफान पठान ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बाउंसर फेंका। स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मार्क वेरमुलन ने उसे पुल करना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगते हुए सीधा सिर पर जा लगी। इरफान पठान अपने फॉलो थ्रू में ही दौड़ते हुए सीधे वेरमुलन के पास पहुंचे। विकेटकीपर पार्थिव पटेल और पॉइंट पोजीशन पर खड़े युवराज सिंह उनके पास पहुंचने वाले सबसे पहले लोग थे। थोड़ी देर में सभी इंडियन फील्डर्स वेरमुलन के आसपास इकट्ठा हो गए। रिप्ले में देखने पर पता चला कि गेंद वेरमुलन के हेलमेट और ग्रिल के बीच मौजूद गैप से जाते हुए माथे पर जा लगी थी। गेंद सर पर लगने के बाद ग्रिल में ही फंसी रह गई। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि वेरमुलन ने तुरंत हेलमेट उतारा और वो मैदान पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वेरमुलन को देखकर जिम्बाब्वे के फिजियो भी मैदान पर पहुंच गए। वेरमुलन की जांच करने के बाद ये पता चला कि वो बल्लेबाजी करने की हालत में नहीं है। उनके माथे पर सूजन साफ देखी जा सकती थी और इसीलिए उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। उसके ठीक बाद उन्हें एक सर्जरी करवानी पड़ी। इस वाकये के कई साल बाद एक इंटरव्यू में वेरमुलन ने उस चोट का जिक्र करते हुए कहा था कि जब गेंद मेरे सर पर लगी थी तो मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं फिर से बल्लेबाजी नहीं कर पाऊंगा। ड्रेसिंग रूम में जाने के करीब आधे घंटे बाद मुझे दर्द होना शुरू हुआ। फिर मुझे सर्जरी के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि अगर गेंद मेरे सर पर दोबारा लगती है तो वो मेरे लिए घातक साबित होगी। इस चोट से पहले भी वेरमुलन दो मर्तबा सिर पर चोट खा चुके थे। पहली बार वो तब चोटिल हुए थे जब वो जिम्बाब्वे की अंडर 19 टीम के लिए खेला करते थे। इसके बाद 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए उन्हें माथे पर गेंद लगी थी और इसके कारण उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। 2004 में इरफान पठान की गेंद से लगी उस चोट से उभरने के बाद वेरमुलन एक बार फिर मैदान पर लौटे। जानकारों का कहना था कि टीम में लौटने के बाद उनकी बल्लेबाजी में वो पहले वाली बात नजर नहीं आ रही थी। उस चोट ने न सिर्फ उनके बैटिंग को प्रभावित किया था बल्कि वेरमुलन की मानसिक स्थिति भी उस हादसे के बाद काफी बिगड़ चुकी थी। वो अब काफी ज्यादा उग्र हो गए थे। अक्टूबर 2006 में हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिस और नेशनल एकेडमी में वेरमुलन ने आग लगा दी। उन पर मुकदमा चला और जनवरी 2008 में उन्हें बरी कर दिया गया। जज ने उन्हें इस बेसिस पर छोड़ा कि 2004 में लगी उस चोट की वजह से उनके बिहेवियर में बदलाव आया और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। 2008 में उनका क्रिकेट करियर एक तरह से खत्म माना जा रहा था, लेकिन मार्क वेरमुलन बेहद जिद्दी स्वभाव के थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि वो जिम्बाब्वे के लिए दोबारा खेलेंगे। उधर जिम्बाब्वे का क्रिकेट बोर्ड इस बात पर राजी नहीं था कि उनके देश को एक ऐसा प्लेयर रिप्रेजेंट करे
जिसका मानसिक संतुलन ठीक न हो। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलने के बाद वेरमुलन को जिम्बाब्वे के नेशनल टीम में दोबारा जगह मिली। 2009 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए टीम में शामिल किया। बुलवायो में खेले गए पहले ओडीआई मैच में वेरमुलन ने शानदार 92 रन की पारी खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की। इसके बाद एक बार फिर वो क्रिकेट से दूर हो गए। 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में वो आखिरी बार जिम्बाब्वे के लिए खेलते नजर आए थे। 2015 में बांग्लादेश के टूर पर वो जाने ही वाले थे कि उन्हें बैन कर दिया गया। मालूम चला कि वेरमुलन ने सोशल मीडिया पर जिम्बाब्वे के ब्लैक प्लेयर्स को बंदर कहा था। उनके इस रेसिस्ट कमेंट की वजह से उन्हें हमेशा के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। नेचुरली बैकफुट पर खेलने वाले प्लेयर वेरमुलन असल में हमेशा से ही अपने बिहेवियर में काफी अग्रेसिव थे। स्कूल के दिनों में गलत आउट दिए जाने पर वेरमुलन ने स्टंप्स उखाड़ लिए और उसे वो अपने साथ ले गए और फिर चेंजिंग रूम में जाकर खुद को अंदर से बंद भी कर लिया। उनके इस बर्ताव की वजह से उन्हें स्कूल में क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया गया था। कट, पुल और अच्छा हुक मारने वाले वेरमुलन कवर ड्राइव भी अच्छा खेलते थे, लेकिन बिहेवियर की समस्या हमेशा रही। 2003 में इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच में एक दिन में वो दो बार आउट हुए, दोनों बार बिना एक भी रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर उन्होंने मैनेजमेंट के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि सभी प्लेयर्स एक साथ ट्रेवल करेंगे, लेकिन वेरमुलन अकेले ही निकल पड़े। इसके पहले इसी टूर पर वेरमुलन ने फील्डिंग के दौरान उनकी ओर आती गेंद को नहीं रोका। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत ठंड थी। वेरमुलन की ये कहानी यहीं तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।